ठाकर भाव डीएमपीना भाव एकत्र रुपये लोन आ बदी हत्याओं की बार निकली जव तो 2022 में अपनी सरकार लाओ अपनी बात अपने सरकार लाओ ये विनती करू छू 2022 की अंदर अपनी सरकार लाभी से ने तो बे हाथ ऊंचा कर सदाराम बापू ने खूब खूब आभार नवगनजी ठाकुर તમારા આકોટે આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ધૂણાવવાની છે અને ઘર ભેગી કરવાની છે. હવે આપણી વચ્ચે એઆઈસીસી ના જનરલ સેક્રેટરી અને બિહારના એમએલએ मुझे गुजराती जबान तो नहीं आती लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी जबान की खूबसूरती का मैं कायल हूं. इसलिए कि आपकी भाषा में बहुत सारे शब्द बहुत सारे अल्फाज संस्कृत मैथिली बंगला उर्दू फारसी और हिंदी ये सब का मिश्रण गुजरात की आपकी गुजराती भाषा है. इसलिए मैं गुजराती भाषा को सलाम करता हूं. इसमें जो जोर है जो शोर है वो दिल के अंदर तक जाती है. इस मंच पे हमारे नेता जिनको मैं जानता हूं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज के अध्यक्ष और मैं आपको पहले ही मुबारकबाद देना चाहता हूं जगदीश भाई ठाकुर साहब कि आपकी अगुवाई में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को परास्त यही मिलने वाला है. ये बात तय हो चुकी है. इमरान प्रताप गढ़ी हमारे छोटे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी आवाज से अपनी अपने कवि और जो उनका कवि का मन है जो अपनी शायरी से और देश भर में घूम घूम करके इस देश की जो गंगा जमनी तहजीब है जो मिलन जुलन का वातावरण हमारे विरासत में हमको मिला है हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है उसको हर जगह फैलाने में लगे हुए हैं. आज यहाँ आने के पहले परसों हैदराबाद में थे. धूप की चिलचिलाती धूप हो या बरसात हो उसमें राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए हमारे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी का गरम जोशी से मैं आज के मंच में स्वागत करता हूं. हमारे इस मंच पे जीते हुए विधायक जो जीते हुए विधायक हैं और जीतने वाले हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं. आपका श्राद्ध था कि मैं यहां आऊं मैं आपके बीच में यहां मौजूद हूं. हमारे अनिरुद्ध जैन साहब इम्तियाज कादरी साहब हमारे वजीर खान साहब मैं पिछले दिनों भी भरूच और सूरत और बड़ौदा की यात्रा में था. आप मैं देख रहा हूं कि माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को आपने बहुत ही ऊंचा मकाम दिया और मिलने जुलने की इस प्रक्रिया को बहुत मजबूत किया. आपका भी यहां स्वागत है. शंकर सिंह ठाकुर जी अलका बहन जी बिहार में आप हमारे साथ आपके साथ हमने काम किया है जब आप वहां आई थी और हमारे बीच में काम किया था. काजी साहब गुजरात के साथ बहुत सारे नाम छूट गए होंगे हमारे साथ रियाज लोहारी साहब भी चलते हैं मेरे साथ बहुत सारे नाम छूट गए होंगे मंच के हमारे सब नेतागण कांग्रेस के कारकुनान. बिहार से मैं आया हूं. ये बिहार वो धरती है कि जिसका रिश्ता गुजरात से बहुत अजीम बहुत पुराना और बहुत बड़ा रिश्ता है. वो कैसे बिहार के किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म हो रहे थे ये आजादी के पहले की बात मैं कर रहा हूं 1910 और 1920 के बीच में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए और हिंदुस्तान का भ्रमण चारों तरफ वो कर रहे थे
तो बिहार के कुछ किसान उनसे मिलने गए, चंपारण के किसान, और उन्होंने कहा कि गांधी जी आप बिहार आइए, इसलिए कि बिहार में अंग्रेजों का जुल्म किसानों के ऊपर चल रहा है, वहां पर नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती है और खेती का मुआवजा नहीं मिलता, हम अपनी मर्जी के खिलाफ खेती करने में मजबूर हैं। महात्मा गांधी पटना आए, फिर वहां से चंपारण गए और 1.5 साल तक रह करके किसानों के आंदोलन को किया और फिर आखिर में महात्मा बापू को वहां जीत हुई, किसानों के ऊपर जो लगा हुआ टैक्स था वो माफ हुआ, इसलिए आपके साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। चंपारण सत्याग्रह आपको मालूम, दो शख्सियत गुजरात में ऐसे पैदा किए हैं आपकी धरती ने कि जिन्होंने हमको मुक्ति दिलाई, गांधी जी खुद और दूसरे सरदार पटेल, दोनों ने जो आजादी में जिस तरह का योगदान दिया, जेल की सलाखों के पीछे जिंदगियां गुजारी, तकलीफें सही, आम लोग ये बड़े बड़े लोग थे लेकिन आम आदमी की तरह रह करके, आम किसानों मजदूरों नौजवानों के बीच में काम करके मेहनत करके अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, ये दो शख्सियात का एहसान हिंदुस्तान और दुनिया कभी नहीं भूल सकती, इसलिए गुजरात के साथ रिश्ता हिंदुस्तानियों का बहुत बुरा। इन दोनों नेताओं ने हमको क्या सबक सिखाया था, खूबसूरत देश, पान, पहनावे, कल्चर, खाने पीने का अंदाज सब अलग हो सकता है लेकिन फिर भी हम एक माला के सूत्र में बंधे हुए हिंदुस्तानी है, उसमें आपको फख्र है। हम जितना भी जिंदाबाद कहें अपने इस विरासत को, आजादी की लड़ाई में हमारे बड़ों ने जिस तरह की कुर्बानियां दी वो सब हमको याद है, लेकिन आज इसी कुर्बानी के ऊपर हमले हैं, उसी विरासत के ऊपर हमले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आ करके किसानों का दर्द देखो, लेकिन दर्द तो है नहीं, 1000 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे उनकी जानें खत्म हो गई, 3 काले कानून आए, 1.5 साल तक किसान वहां रहे और 3 काले कानून को वापस करवाया आपके साथ के लोग किसान भाइयों ने, लेकिन शर्म नहीं आती ये पार्लियामेंट के अंदर उन किसानों के लिए कोई श्रद्धांजलि भी नहीं दी। 4 दिन पहले की घटना जो यहां हुई है याद कीजिए, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 200 से शायद लोग अपने घर को छोड़ के चले गए, स्वर्गवास हो गए, जाने चली गई, बच्चों की, बच्चियों की, महिला बहनों की, बूढ़ों की, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी उस दिन भी 3 बार अपना कपड़ा बदले और शाम को ट्रेन को झंडी दे रहे थे, जाने ही हुआ उस दिन। तो कैसे लोगों के साथ किसके पास हमारा ये मुल्क है, ये मुल्क किन हाथों में है, यह फैसला हमको और आपको नौजवानों आपको। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोगों को बोलना है और अभी इमरान भाई को बोलना। नौजवान दोस्तों याद रखो, तुम्हारी नौकरियां खत्म हो गई हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तुम्हारे लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में, सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब सीटें नहीं है, अब नौकरियों का हाथ छोड़ दो। यूपीए सरकार ने आप इतनी महंगाई कर दी कि एक वक्त की रोटी भी मुहाल कर दी इन्होंने। ये गुजरात है, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, हिलाने से पुल गिर जा रहा है, ये गुजरात मॉडल। ट्रेन ऐसी चलाई है कि भैंस टकरा जा रही है तो इंजन टूट जा रहा है, ये है गुजरात मॉडल। सड़क पे नारियल फोड़ दीजिए तो नारियल नहीं टूट रहा है, सड़क टूट जा रही है, ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीट के
मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपने और यहाँ की भाजपा सरकार ने सही से उस पुल का रंग रोगन किया होता तो आपको अस्पताल का रंग रोगन करने की जरूरत न पड़ी होती। ये जो 41 मौतें हुई है, जो लाशें बिछी है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी के परिवार के सदस्य थे, खुशियां मनाने गए थे, पुल टूटा और जिंदगियां तबाह हो गई। और सरकार ने क्या किया? भावुकता भरा एक छोटा सा भाषण। हमसे एक पत्रकार साथी ने कहा, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा, किसी का शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी उसके फन की कद्र करता हूं, वो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। मेरे भाई, किसको पकड़ा गया? क्लर्क को। किसको पकड़ा गया? जवाब दे लोगों की कोई जवाब दे ही नहीं, छोटे छोटे कर्मचारियों को उठा के जेल डाल दिया गया। 141 मौतें, लाशें बिछी थी, कपड़े बदले जा रहे थे। आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा, ये गुजरात है जिसका मॉडल पूरे देश को दिखाया जाता है, लेकिन मुझे बताओ नौजवानों, तुम्हें नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। एग्जाम देने जाते हो, उससे पहले तुम्हारे पर्चे लीक हो जाते हैं। पर्चा लीक होने के मामले में तो गुजरात की सरकार ने पूरे देश को पीछे छोड़ रखा है। पेपर लीक, बेरोजगारी चारों तरफ, महंगाई चारों तरफ, मोरबी में बिछी हुई लाशों की चीखें। तो अब परिवर्तन तो करना पड़ेगा आप लोगों को। और मुझे खुशी है कि पिछले चुनाव में आपने बड़ी मजबूती से 2017 में कांग्रेस को वोट दिया था, आपने अपने यहां जिताया भी। लेकिन मैं तो पूरे गुजरात से कहना चाहता हूं कि जो ताकत, जो जोश आपने पिछली बार दिखाया था कि थोड़ा सा कसर बाकी रह गई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से गांव गांव में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के लोगों का जोश दिखाई पड़ रहा है, उससे पता चल रहा है कि इस बार भाजपा सरकार बदलने जा रही है, हटने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सरकार खराब है, इसके मुख्यमंत्री खराब है, ये हम कहें उससे पहले तो भाजपा ने खुद ही साबित कर दिया। विजय रूपाणी जी को क्यों हटाया गया आज तक उन्हें पता ही नहीं है, नए वाले को क्यों बनाया गया आज तक उन्हें पता ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो ऐसे बदले गए जैसे कपड़े बदले जाते हैं। कुछ कमी तो नहीं होगी ना, कुछ भ्रष्टाचार तो रहा होगा ना, तभी तो हटाया गया। गुजरात वालों, ये एक ऐसा दौर है कि जब सही मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। मैं यहां आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मौजूदा सरकार बहुत चालाक है। आप जब उनसे पूछोगे कि हमारे बच्चों के लिए स्कूलों की पेंसिल तक महंगी हो गई, जवाब दो, तो वो कहेंगे हिंदू मुसलमान से बात करो। जब आप उनसे कहोगे कि मूंगफली का तेल क्यों महंगा हो गया, हमारी सब्जी नहीं बन रही है, रसोई गैस क्यों महंगी हो गई, हम गैस नहीं चला पा रहे हैं, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बात करो। जब आप कहोगे कि हम अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे हैं, कहां से लाएं पैसा, तो आपसे कहेंगे कि हिंदू मुसलमान पे बात करो। कोई आदिवासी विधायक खड़ा हो जाएगा सवाल करने के लिए तो उसे मारेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे, उसका लहू लहू, उसका सर लहू लुहान कर देंगे। कोई दलित साथी खड़े हो जाएंगे तो ऊना में जिस तरह से पीट करके बांध करके पीटा गया, पीटा जाएगा। हम भारत देश में रहते हैं, मैं संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था, एक सूत्र वाक्य सुना करता था कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, किस भाजपा सरकार ने, मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, एक भाजपा का विधायक एक बेटी का बलात्कार करता है और उसे बचाने के लिए पूरी भाजपा की मशीनरी लग जाती है। मैं तो हाथरस का गवाह रहा हूं कि हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार किया गया और वो जब बेचारी अस्पताल में अपनी सांसें लड़ते लड़ते दम तोड़ देती है तो उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया जाता है जबरदस्ती। कोई पूछने वाला नहीं होता बिना परिवार की मर्जी के। और जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कहते हैं कि हम उस परिवार से मिलने जा
तो मैं उस सात था उस दिन 44 डिग्री टेम्परेचर था और जब राहुल गांधी जी की गाड़ी दिल्ली से निकली उत्तर प्रदेश जाने के लिए हाथरस जाने के लिए तो नोएडा में गाड़ियां रोक ली गई और यह कहा गया कि आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते। तब राहुल गांधी जी ने कहा था कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारे कदम नहीं रोक सकते, हमारा हौसला नहीं रोक सकते। और वह चल पड़े पैदल हाथरस की तरफ। मैं साथ था, मैं चल रहा था उनके साथ। मेरे भाई, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब चुनाव आएगा गुजरात वालों तो आपको उलझा दिया जाएगा ताकि आप 27 सालों का सवाल न पूछ सके। जाएगा धर्म के झगड़े में, क्योंकि जो हमारे शहंशाह है ना, जो हमारे बादशाह है ना, जो देश के प्रधानमंत्री महोदय है, वो परसों किसी एक युवा कवि पुनीत शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही। उसने लिखा कि तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे, तुम्हारी अर्थियां उठे मगर ये ध्यान में रहे, मेरे लिए जो है सजीव वो सेज ना खराब हो। ये बादशाह का हुक्म है और एक हुक्म ये भी है, भले कोई मरे मेरी इमेज ना खराब हो। आपकी लाशें बिक जाए, आप भूखों मर जाए, बस राजा की इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सारा कुछ इमेज के लिए हो रहा है। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं और लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। वो हमारे आम देशवासी के भी वोट की अहमियत है। यह वो जो संविधान हमें ताकत देता है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करने आया हूं कि उस संविधान को बचाइए। राहुल गांधी जी उसी लिए लड़ रहे हैं। 3570 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकले हैं वो राहुल गांधी जिन्हें भाजपा कहती है कि वो तो शहजादे हैं, वो तो राजकुमार हैं, वो तो राजा हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं उसी शहजादे को, उसी राजकुमार को 1200 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा पे निकले, अब तक कर चुके हैं और आगे पूरा करना है। मैंने दिन साथ चलते हुए उनसे पूछा कि भैया पैर में छाले नहीं आए? बोले इस देश के दिल में जो छाले पड़े हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है, पैर में छाले पड़ते हैं उनकी परवाह नहीं करूंगा। मैं तो उनके साथ चलते हुए मीडिया से ये कह रहा हूं, मैं गुजरात में खड़ा हूं, मैं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सरजमीन पर खड़ा हूं। मीडिया मुझसे पूछती है कि आप राहुल जी के साथ चलते हुए कैसा महसूस कर रहे थे, मैं कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी जी के दौर में पैदा हुआ होता तो उस दौर में भी अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ चल रहा होता, और मैं इस दौर में पैदा हुआ हूं तो आज मैं अपने दौर के गांधी के साथ पैदल चल रहा हूं, ताकि मैं आने वाली नस्लों को यह बता था। तब मैं चुप नहीं बैठा था, मैं अपने नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के देश को बचाने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बिना चल रहा था। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। गुजरात वालों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि जगदीश ठाकुर साहब के नेतृत्व में गुजरात कांग्रेस ने जिस तरह से इस भाजपा सरकार के काले कारनामों और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका है गांव-गांव में और परिवर्तन का जो संकल्प लेकर के यात्रा शुरू की है, इसे और ताकत दीजिए, इसे और मजबूत करिए और इनके नेतृत्व में गुजरात बदल के दिखाइए। और अगर आपने ये साल बदलने से पहले यहां सरकार बदल दी तो देश बदल जाएगा और देश पूरा का पूरा क्रेडिट भी गुजरात को देगा कि गुजरात ने ही देश को बदलने में अगुवाई की है। ये गुजरात है, ये हमेशा अगुवाई करता है। जब अंग्रेजों के खिलाफ अगुवाई करनी थी तो इसी मिट्टी का एक बेटा उठा जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें महात्मा गांधी कहा गया, और एक छोटी सी लाठी और एक धोती में वह शख्स निकला
तो उस दौर की जो सबसे बड़ी हुकूमत थी अंग्रेजों की, जिनके शासनकाल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्हें भी इस भारत से अपना सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा। तो मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओं, मेरे साथियों, नौजवान साथियों, देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, देश को बचाइए। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के घरों में अनाज नहीं है, सब कुछ इतना महंगा कर दिया गया है, और ऊपर से आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, सवाल नहीं पूछ सकते आप। वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे प्रश्न करिए, प्रश्न करेंगे तो ईडी तैयार है, सीबीआई तैयार है, इनकम टैक्स तैयार है। मैं तो उस लम्हे का भी गवाह था कि 54 घंटे राहुल गांधी जी को एक कमरे में बिठा करके 10x10 के पूछताछ की गई, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि आप, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं डरता नहीं हूं, जितना पूछताछ करना है पूछताछ करो, मैं डरूंगा नहीं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, जबान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। आप बोलिए मत, आप प्रश्न मत करिए, आप सवाल मत है। तो ऐसे में इस बार अपने मुद्दों के लिए खड़े होइए। आपको वो कहेंगे हिंदू मुसलमान में उलझो, आप उनसे कहना कि नहीं, मुझे ये बताओ कि पेट्रोल 100 रुपए में कैसे हो गया, ये बताओ कि गैस 1000 की कैसे हो गई, ये बताओ कि तेल कैसे महंगा हो गया, ये बताओ कि अनाज कैसे महंगा हो गया। हमें इन सारे मुद्दों पर जवाब चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप डटे रहे मुद्दों पर तो गुजरात बदलेगा, गुजरात एक नया इतिहास लिखेगा, और हम सब उस इतिहास के साक्षी बनेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जगदीश भाई से बैठे हुए कह भी रहा था कि मैं चुनाव घोषित होने वाले दिन सौभाग्य ये रहा कि मैं आज ही आ गया, और अब मुझे लगातार गुजरात के दौरे पे रहना है, लगातार यहाँ रहूंगा। हालांकि मैं यात्रा छोड़ के आया हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक यात्रा छोड़ के आया हूँ तो दूसरी यात्रा का हिस्सा बन रहा हूँ। घर नहीं बैठ रहा हूँ, घर नहीं बैठूंगा। मैं कांग्रेस का एक ऐसा सिपाही हूँ जो राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, लड़ रहा है, डटा हुआ है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपना सर्वीनी आन बान ने शान एवा गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ना अध्यक्ष श्री माननीय जगदीश भाई ठाकोर ने विनती करू के तेओ पोतानु वक्तव्य आपे। अपने बच्चे छेक दिल्ली ना दरबार माथी अपने ने ताकत अप्पा माटे बल अप्पा माटे अपने सधियारो अप्पा माटे अपने बच्चे आया छे एवा संसद अने ऑल इंडिया माइनोरिटी कमिटी ना चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ी साहेब एवाज बाहोश आगेवान बिहार ना पूर्व मंत्री शकील अहमद जी भाई वजय खान भाई जैन साहेब मान्य अलकाबेन महेंद्र सिंह वाघेला जी शंकर जी ठाकुर अने जेमने आपने सब ने यहां भेगा गया छे एवा सिंपोटा धारा सभ्य सदाराम बापा ना भक्त अने एक सरस मजानो अमारो जवानियो मान्या भाई अपना सौनी बच्चे जेने
आ सिद्धपुर की पंचायत बैठी छे, दौड़ी तली ना आगेवानों बैठा छे, युवानों छे, मारी माताओं ने बहनों छे, दिल्लू नो नेतृत्व छे, अने गुजराती नेता गिरी पर बैठी छे। चंदन सरकार बनाए तू माता थापे थाके सरकार आपका भूख छे। 27 वर्ष की भूख छे, 27 वर्ष की ए भूख विकास की भागवा माटे सरकार बनावी। सरकार मुद्दाओ नहीं ना। इमरान प्रताप गढ़ी साहेबे खूब साची बात करी। अबे मोहवारी की बात करिए तो के हिंदू मुसलमान, अबे पेट्रोल डीजल ना भाव वधारा की बात करिए तो के स्मशान कब्रिस्तान, अबे बेरोजगार युवानों ने रोजी रोटी आपवानी बात करे करिए तो के मंदिर मस्जिद। आ मुद्दाओ आ देश अने गुजरात माटे घातक छे। तमे जो पाटीदार समाज किरીટભાઈ આંદોલન નો ચહેરો માં એ પાટીદાર સમાજે આ રાજ્યમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સત્તા અપાવવામાં લોહીને પરસેવો એક કર્યો। જે દિવસે એમણે એમનો હક માંગ્યો પાટીદાર સમાજે કે અમારા યુવાનો બેકાર છે, અમને ધંધા રોજગાર નથી મળતા, તમે અમને અમારો હક આપો, એ સરકાર બનાવવા વાળા સમાજે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે હક માંગ્યો અને હક માંગતાની સાથે આ ભાજપની સરકારે 14 પાટીદાર યુવાનોને ગોળીએ માર્યા। તમે જો દલિત સમાજ બંધારણીય અધિકારો માંગે એને ખતમ કરવા માટે સરકાર પર પાછી પાણી ના કરે, તમે જો આદિવાસી અમારો અનંત પટેલ આદિવાસી વિસ્તારની જમીનો લઈ લેવી છે, આદિવાસીઓને ખદેડી દેવા છે, ઉદ્યોગપતિઓને ગામોના ગામ આપી દેવાની તૈયારી કરી છે, એની લડાઈ અનંત પટેલ લડે તો કે આને જાનથી મારી નાખો અને જીવતો રહેવાનો અધિકાર। કોઈની બોલવાની તાકાત છે? તમે નકઈ તો જો શકેલ અહેમદ સાહેબ, ઇમરાનભાઈ મોરબીમાં 6:30 વાગે પુલ તૂટે છે, એ જગ્યાએ હું ગયો છું, એ જગ્યાએ અશોક ગેહલોત ગયા છે, એ જગ્યાએ દિગ્વિજયસિંહ મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ગયા છે। લોકોને પત્રકારોએ કહ્યું કે જગદીશભાઈ આ પુલ તૂટ્યો એવો બાજુમાં મકરાણી વાસ છે મુસ્લિમ સમાજનો, ગરીબ સમાજના મહિલા હતા એ પુલની આજુબાજુ, જેવો પુલ તૂટ્યો ઘરબાર પડતા મૂકી યુવાન ભૈરા છોકરા બધા જ્યાં પુલ તૂટ્યો એ બાજુ દોડ્યા, જે હાથમાં લઈ અને લોકોની બચાવવાની કાળી મજૂરી કરી, અને પત્રકારોએ મને કહ્યું કે જગદીશભાઈ આ મુસ્લિમ છોકરાઓ, આ કોળી છોકરાઓ, આ ઠાકોર છોકરાઓ કે જ્યાં કોઈ પણ ધર્મની જાતની વાત કર્યા વગર હિન્દુ ને મુસલમાન એક થઈ, અને જો આ હોનારતમાં બચાવવા પડ્યો ના હોત તો 500 લાશોનો ઢગલો મોરબંદી મારે પૂછવું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને કે તમારો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો મોરબીમાં, 6:30 વાગે પુલ તૂટે છે તમને ખબર પડે છે, અને 7:30 વાગ્યા સુધી તમે તમારો કાર્યક્રમ કરો છો અને મોરબીને બચાવવા કેમ નથી જતા એ સવાલ
कांग्रेस करे छे जवाब आपवा पड़शे। इमरान भाई, शकील भाई, चंदन भाई, किरीट भाई, दलका भाई, ये पुल रिपेयरिंग नो कोई कॉन्ट्राक्ट न तो, कोई करार न तो, कोई एमओयू न तो, शुअर आज अंदर बैंक को के आपनु काम करवू छे शु कही छु तो के तुदार करी ले ये थई गयो तो के हवे फी ले टिकट ना चालू करी दे अल्या पुल नु रिपेयरिंग 140 वर्ष जूनो रजवाड़ा वक्त नो पुल अमारी नगर पालिका कांग्रेस की हती त्यारे नगर पालिका ना प्रमुख है मने कहू के साहब 25 टिकटो फाड़ता था ये 25 हमें उतरी ना जाए क्यों भी हमें विधान जवा ना देता जारे हमने खबर पड़ी कि हमें 25 टाइम उपलायम नहीं त्यार थी पुल बंद कर भाजपा मोटा गजाना नेता दिल्ली में गुजरात में बैठा वेवई भेगा था वेवई ये कहू के चूंटी आवे छे आप पुल चालू करवो जोइए तो के करो तो के रिपेयरिंग करवानू छे तो के करो तो के कोई कागल बागल करवा छे तो के कागल नी कोई जरूर नथी अने घड़ियाल बनावा वाली फैक्ट्री ना मालिक ने पुल रिपेयरिंग नु काम हो गयो घड़ी बनाने वाला जिसे पुल जेने पूर छू एनी खबर नथी मैं पूछू मैं को आने सौंप्यू के तो के भाजपा वेवैनो वेवैनो हगो साबित करीने आपीशो हे न्यायनी देवी हे हाई कोर्ट हे सुप्रीम कोर्ट तमने पत्र लखी खोड़ो न्याय मांगिए छे के तमे सीधो हाई कोर्ट के सुप्रीम मा केस दाखल करी अने आ नराधमो ने सजा करावो एवी न्याय की देवी पासे मांगणी करू छु। सुप्रीम कोर्ट ने मे हाई कोर्ट ने पत्र लख्यो के त्या फरियाद दाखल थई फरियादी मा एक नु नाम नथी બીજા દિવસે એસપી મીટિંગ કરે છે કે નવ ગુનેગારો પકડાઈ ગયા કોણ છે ગુનેગારો ત્રણ આદિવાસી જે ચોકિયાત હતા ત્રણ દલિત છોકરાઓ જે ટિકિટ કાપતા હતા અને પાણી લાવવાનું બીજું ત્રીજું કામ કરતા હતા એવા ત્રણ પટા વાળા ગરીબ સમાજના આ નવ ને પકડી મોટો મીર માર્યો હોય એવો દેખાવ કરવું એટલું કરીને જાલીમ ઉપર વાળો જોવે છે તમે જોજો હમણાં મોટા સાહેબ બોલતા બોલતા થોથવાય છે સંકેત છે પેલું મહાભારત માં હતું ને આ યાત્રામાં કહ્યું છે આપણે પાર્થ ને કહો ચડાવે માં એ વાર્તા ખબર છે ને મહાભારત ની શકેલભાઈ ઇમરાનભાઈ એ મહાભારત ની વાર્તા હતી અયોધ્યાના ધણી એ કૌરવ અને પાંડવો એ પાંડવો એ રાજાઓ હતા ધણી હતા અને જ્યારે જુગારની અંદર કપટ કરીને હાર્યા રાજપાટ છોડ્યા પાછા 14 વર્ષ વનવાસ કરી પાછા આવ્યા રાજ પાછું માગ્યું તો કે નહીં મળે ભગવાન કૃષ્ણ વચેટિયા બનીને સંધિ કરાવવા માટે બેઠા ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું કે લે રાજપાટ તો પાંડવોનું છે છળ કપટ કરીને તમે લઈ લીધું છે સમજી કંઈક મેળ કરો થોડુંક આલો તો કે નહીં મળે તો કે પાંચ ગામ આપો તો કે નહીં મળે અલ્યા પાંચ ઘર આપો તો કે નહીં મળે અલ્યા એક ઘર આપો પાંચ બહેન માં રહી શકે એવું તો કે ન
नहीं मळे आटली संधि कर्या पछी खबर पड़ी कुंता माता ने के एक घर पण हलवा तैयार नथी अने शांति नी दूर शांति नी वात करवा वाली मारी माता पांडवनी माता ए कहो के हे अर्जुन उठाओ गांडीव रण कंकार कर उठाओ बाण ने अवे तो युद्ध एच कल्याण। इमरान भाई शकील भाई मुझे दो युद्ध बहुत प्यारे लगते हैं। एक महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का लड़ाई का युद्ध सत्य और असत्य की लड़ाई का युद्ध और दूसरा युद्ध मुझे अच्छा लगता है करबला के मैदान का युद्ध। हक ना हक की लड़ाई धर्म ने अधर्म की लड़ाई सत्य ने सत्य की लड़ाई आ लड़ाइयों आ बे मैदान में लड़ाई छे अने जेने नुकसान थयुं छे धर्मना माटे सत्यना माटे मानवताना माटे एक खतम करवा वाळानो इतिहास नथी लखातो। कोई एनी माना एनी माए कोई छोकरानुं नाम दुर्योधन राख्युं रावण राख्युं कोण जीवे छे कोण चाले छे। इमरान भाई अमारामां कहेवाय छे के सत्य की लड़ाई लड़वा वाला सूरज चांदो तपे त्या सुधी जीवता रहे छे अने आप पे कह कहलाते हैं कि कया मत तक जिंदा रहते हैं हम लोग आज है लड़ाई अने कांग्रेस तमारी पासे वचने बंधावा माटे आवी छे। घर वपराश में 500 रुपया थी वधारे गेस्टा बाटला ना नहीं आलवा पड़े नहीं आलवा पड़े नहीं आलवा पड़े नहीं। 27 वर्ष थी भाजप नु शासन छे 27 वर्ष कांग्रेस सत्ता में हती 27 वर्ष पहला ना वीजळी ना बिल जोई ले जो कांग्रेस ना टाइम में बचा हाइट के हो અને અત્યારે ભી 1500 2000 2500 4000 ને 5000 300 યુનિટ વીજળી માફ કરવાનું કોંગ્રેસ ઘર વપરાશમાં વચન આપે છે। સરકારી કર્મચારીઓ રિટાયર થયા હોય કેટલા બેઠા સાધુ ચોકરો જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી ચાલુ કરવાનું કોંગ્રેસ વચન આપે। મને હમણાં પાટણ થી નીકળતા બે દીકરીઓ કુમકુમ તિલક કરવા આવી મેં થેન્ક યુ કહ્યું તો કે વેલકમ સર મેં મારી બાજુમાં બેસાડી રહીને ફોટો પડાવ્યો મેં કહ્યું બેટા ભણીને શું બનીશ સર કઈ ડિસાઈડ નથી કર્યું વાઇસ ચેરમેન કઈ ડિસાઈડ નથી કર્યું કોઈ ટ્યુશન નહીં સારી શાળા નહીં સારી વ્યવસ્થા નહીં અને છતાં પણ મારી દીકરીઓ આટલી હોશિયાર હોય તો એ દીકરીમાં નાચ જાત નથી કરતી કોંગ્રેસ કોણ કે ધર્મ કોંગ્રેસ નથી કરતી પહેલા ધોરણ થી માંડી ડોક્ટર બનવું હોય તો ડોક્ટર ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ બનવું હોય તો ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ મામલત કે મામલતદાર કે આઈપીએસ કે આઈએએસ અધિકારી બનવું હોય ગુજરાતની તમામ જાતિની તમામ દીકરીઓને તમામ ધર્મની દીકરીઓને ભણવાનું ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર મફાણા દીકરીઓના નામ લેવા બેટી બચાવના નારા આવવાથી દીકરીઓ મોટી ના થાય દીકરીઓને ધોળે તાળે ગળે છરી મૂકીને એમ કે કે તું મારી જોડે લગન કર નહીતર તારું ગળું કાપી નાખીશ અને સુરતમાં ધોળે તાળે ગળા કાપી નાખે દીકરી એક કલાક તરફડીને મરી જાય અને આ ગોળીએ મારવો પડે ગોળીએ જાહેરમાં જવાનીયા નોકરીની તૈયારી કરે
કે તલાટી બનવું છે, હોમગાર્ડમાં જવું છે, પોલીસમાં જવું છે, લશ્કરમાં જવું છે. એક ફોડ પર ફોડે સમજ્યા, બે ફોડે, ત્રણ ફોડે, તમારી દીકરીને હું ગ્રામ સેવક નહીં બનવા દઉં, એક કહે છે તમારી દીકરીને હું શિક્ષિકા નહીં બનવા દઉં. આ તમારી જગ્યાઓ રોકવા વાળા ગરીબ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 18 આલમ એની દીકરીઓને ભણાવે, એના દીકરાઓને ભણાવે. નોકરીની જેને જરૂર છે એને નોકરી નથી આપતા, એવા 10 લાખ લોકોને દર વર્ષે નોકરી આપવાની કોંગ્રેસ જાહેરાત કરે. ઘેર દુધાળા ઢોર સર, સાચું બોલજો. બે ટાંકિયા નો મેળ આવે છે ખરો, ખોળ લાવો, ઘાસ ખવડાવો, દાળ ખવડાવો, દવા કરાવો, આ બધું ભેગું કરો ને દૂધનું બિલ આવે, બે ટાંકિયા ભેગા થાય છે ખરા. શકીલ અહેમદ સાહેબ, ઇમરાનભાઈ, મેને ભી ભેંસો કા તબેલા કિયા, થોડે પૈસે લગાએ. એક વર્ષ પછી ખબર પડી કે આમાં મેળ આવે એવો નથી. 40 લાખ નો તબેલો વેચવા કાઢ્યો, 3 લાખ આવ્યા. એક વખત અશોક ગેલો સાહેબ ના મેં બેઠા હતા, મેં કહ્યું સાહેબ આમાં કઈ કરાય, તો કે કહેજે જગદીશ ગુજરાતના પશુ માલિકોને, જગદીશ કહેશે ગુજરાતના પશુ પાલકોને કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની સરકાર બને એના 1 મહિનામાં તમે દૂધમાં ડેરીમાં દૂધ ભરાવો, એ પૈસા તો તમને મળે, પણ 1 લીટરે વધારાના 5 રૂપિયા કોંગ્રેસની ગુજરાતની સરકાર સબસિડી આપશે. ખેડૂતનું દેવું 3 લાખ સુધીનો માફ કરી, અને મેળ આવ્યો તો વીજળી બિલ બંધ. શંકરસિંહ વાઘેલા સાહેબ નો દાખલો લેજો, આત્મારામ કાકા શંકરસિંહ વાઘેલા રાખી કેબિનેટ બેઠી હતી અને બાપુ બોલવા ઉભા થયા. આત્મારામ કાકાએ કહ્યું કે બાપુ હર્ષ પાવર ના પૈસા ઓછા કરો, કે અત્યારે, તો કે અમલ ક્યારથી, તો કે આ મૂલ્યો ત્યારથી. સરકારો કોંગ્રેસ ચલાવી શકે ભાઈ? અને જે પૂછું કે કેટલા ઓછા કરવા છે, એ તો આત્મારામ કાકા લેવામાં ભૂલ્યા, તો કે દાડા મીટર નો હોર્સ પાવર નીકળી જવાના. શહેરી વિસ્તારોમાં અમારી બેનતી કર્યો છે, ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદો સોનિયાજીએ બનાવ્યો, ઊંચા ભાવે ખેડૂતનું અનાજ લેવાનું અને 2 રૂપિયે 3 રૂપિયે કિલો અનાજ આપવાનું. અને જે દીકરીને સારા દિવસો જતા હોય, જે દીકરી ગર્ભવતી બની હોય, એ આખા દેશની દીકરીઓને 9 મહિનાના એના સારા દિવસો દરમિયાન દર મહિને 2000 રૂપિયા એવા 6 મહિના સુધી એ દીકરીને પોષણ માટે આલવાનો ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદો બનાવ્યો. આ બધી માં બેઠી છે, પૂછો દીકરીના સારા દાડા જતા હોય ને તો માં એ હારા કાઢીને ત્યાં જશે, ભાઈ હું હારામાં ની કાઢ્યા, ગુંદ હારામાં નો લાય, ઘઉં હારા લાય, અને 2-4 દુધાળા પશુઓ હોય એને જઈને કહી આવે કે ભાઈ 2-4 કિલો ઘી હારું ચોખ્ખું કાઢજો, દીકરીના હારા દાડા છે તો દીકરીને મારે હાલવા જવું છે કે નહીં. આવે ભાઈ સોનિયા ગાંધીએ આ વ્યવહાર કર્યો કે મારી દીકરી ના સારા દિવસો જતા હોય, એને ખાવાની તકલીફ હોય, એને ખોરાકની તકલીફ હોય, અને એનું બાળક માદું અશક્તિ કુપોષણ વાળું જન્મે, એ બંધ કરો, 12000 રૂપિયા એના ખાધા ખોરાકીને આપવાનો કાયદો. મહેન્દ્રસિંહભાઈ, એ દિવસે હું લોકસભામાં હતો, ચંદનસિંહ કાયદો પસાર થવાનો હતો, સોનિયાજી બીમાર હતા,
कया महीना ना 10 युवानो मतदार यादी चेक करे मतदान पूरु करावे बाहर रहता हो तो इन्हे लई आवे आ बधी वातनी जीवन काळजी राखी अने तमारे मतदान करवानुं छे। चंदन सिंह अमारे खूब जरूर गुजरात में छे, सुरेंद्रनगर मांगणी आवे छे, भावनगर मांगणी आवे छे, अमरेली मांगणी आवे छे, साबरकांठा मांगणी आवे छे, जेम आखी टीम गुजरात में फरी रही छे। इमरान प्रतापगढ़ी साहेब शकील अहमदजी वजीरखान भाई अने आखी एमनी टीम फरी रही छे, कांग्रेस ना आगेवानो फरी रह्या छे, एम चंदनसिंह भाईनी पण बजारमां मांग छे ने एमने पण बजारमां क्यांक ने क्यांक जवुं पड़शे। तमे बधा तो सिंधुने साचवा वाळा छो, तमे बधा तो जगदीश ठाकोर जेवा सामान्य हाथ हलारी चलावा वाळा दीकराने लोकसभामां बेसाडनारा छो। ए जगदीश होत दुनियानी कोई ताकत तमे नहीं हरावी शके, ते बळ ताकत आपवा वाळा समजो अने खूब घणाय आगेवान छो, युवानो छो, युवा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने मानवा वाला पर लोगों बैठा है, वो विनती करूं छे 27 वर्ष में तमारू शोषण करूं छे भाजपा, 27 वर्ष ने तमारी काली मजूरी नो हिसाब तमने अने नती आप्यो, 5 वर्ष कांग्रेस ने टेको करो, 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार लाओ, आजे जे बोल्या छे जो 12 महीना में पूरु ना करिए तो हमने बाजार में फरवा ना देता, फरवा ना देता वचने तुम्हारी साथे बन गई है। और इतले ज मैं चंदन भाई पूछ मैं चंदन भाई वस्ती वधारे से कहे टोकला बोतला नु चम तो के भाई पहली मीटिंग से तो चोखा किलो शिरो मग से प्रताप कड़ी साहब शकील भाई हमारे तकलीफों बहुत है। पहली बाजू मारा बेटा 5 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ नो आंकड़ो मुकिन चुकड़ी लड़े, हमारे हमारा सरपंच ने वापरवा 1000 रुपया हुआ हो तो लोचा अब सीधा मारा बेटा लाख हाल है। अरे अबे पचा टड़ी वाला चाहिए पैसा लेता न दिन हमारी पास छे नहीं बे बाजू दुख सर बाहर જે આગેવાનો હમજું છો એ થોડુંક રોકાણ કરજો, ચિઠ્ઠી લખી રાખજો કે આટલા આટલા ખર્ચા છે, સરકાર બનાવો યાર સરકાર બનાવો, અહીં ધારાસભ્ય તમે બનાવશો ને એ ધારાસભ્ય જે દાડે સોગંદ નિધિ લે અને ગુજરાતની સરકાર જે દાડે બનતી હશે ને એ દાડે મામલતદાર ને ડીડીઓ અધિકારીઓ તમને કંકુ ચોખા લઈને આમંત્રણ આપવા આવશે કે મારા બાપ તમે સરકાર બનાવવા વાળા છો, તમારા વગર ત્યાં સોગંદ નિધિ થાય એમ નથી, તમે એરો કાર્યો કરવાની હોય કરો, હું તમને લેવા આવ્યો છું એ દાડો લાવવાની તૈયારી કરું છું। બીજી વાત એવી કરે છે મહેન્દ્રસિંહભાઈ, મહેન્દ્રસિંહભાઈ તમે તમારા ઉપર કેટલા કેસ છે? બીજા કોઈ ચૂંટણી લડ્યા દશરથ ભાઈ તમે લડ્યા છો? રાજકારણ માં ખરાબ છે સર, તમારા ઉપર કેટલા કેસ છે? જયાબેન તમારા ઉપર હવે શું પોતે એ શું પસંદ કરે, એ પ્રદેશમાં એવો બેઠો હોય તો તાલુકે જિલ્લે જિલ્લે એના વાળો ગોતે ગોતે ના ગોતે ઇશુ કરવા જોતા સર કે આપ નહીં તો આપ અમારે ચૂંટણી જે
તકલીફ હોય તો 4 લાફા ખાવાની અમારી તૈયારી છે, પણ અમારા એક આગેવાન કે એક કાર્યકર નું ખોટી રીતે નામ લીધું, એની રિક્ષા પકડાઈ, એના ત્યાં રોકવાની કોશિશ કરી, એ સરકારી કર્મચારી છે તો એની ક્યાંક બદલી કરાઈ, એ સસ્તા અનાજની દુકાન વાળો છે તો એને ક્યાંક ધમકી આપી. કહું છું તમને કે આવી ધમકી આપવા વાળા જે કોઈ તમને કે એનો નંબર યાદ રાખી મારી જોડે કોન્ફરન્સ ઉપર વાત કરાવજો. કોન્ફરન્સ ઉપર એના ઘરે લઈ જવું છે એટલે ભડાકા કરે. લોહી પીજો, લોહી પીજો. આ રાજનીતિ નથી, આ લોકશાહી નથી, આ ભાઈચારાને ખતમ કરે છે. દાગ ધમકી પોલીસ દમ દાટી લુખા ગુંડા આનાથી રાત ચાલે ના. તમને મત ના આવ્યો હોય તો એના ઘરે પાક પતા મેળવા પડે, ગોળ ધરા મેળવા પડે. એને મત ના આવ્યો હોય તો એને કેવું પડે કે બેટા અડધી રાતે તકલીફ હોય તો આવજે, તારું કામ પહેલું કરીશું. આ રાજનીતિ છે, આ રાજનીતિ છે. અને એ રાજનીતિ કરવા માટે કોંગ્રેસ નીકળી છે. તમે સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં 5 વાગ્યાના બેઠા છો, તમારા બધાના પગે પડું છું, વંદન કરું છું, પ્રણામ કરું છું, અને તાકાત શક્તિથી કોંગ્રેસના કામે લાગશો, પરિણામ લાવશો એવી વિનંતી સાથે જય હિન્દ જય ભારત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય જગદીશભાઈ. હવે